हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो बाय सेल सिग्नल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और पेड इंडिकेटर के बारे में। जी हाँ, और उसका नाम है YGS स्कैल्पर। मैंने थोड़ा सा नाम को चेंज किया है जिससे कि आपको इसको कैच करने में दिक्कत ना हो कि मैं किस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। सो चलिए चलते हैं हम इंडिकेटर की तरफ एंड वहाँ पे देखते हैं कि इस इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें यूज की हुई है और ये कैसे काम करता है और ये कैसे सिग्नल समय देता है, और सिग्नल भी अगर वो देता है बाय और सेल का तो उसको कैसे हमें यूज़ में लेना है, और साइडवेज मार्केट के लिए भी ये सिग्नल्स आपको दे देता है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम 5 मिनट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैंडल्स के जो कलर हैं, ग्रीन कलर्स यहाँ पे, येलो कलर एंड रेड कलर, 3 कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये बीच में जो वेव चल रही है वो वेव क्या है। ओके, तो अगर हम बात करें इस वेव की तो ये कुछ नहीं, एक मूविंग एवरेज है। ओके, और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि इसमें कौन से मूविंग एवरेज को यूज किया हुआ है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कैंडल इस मूविंग एवरेज मींस इस वेव के ऊपर जैसे ही जाती है तो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, तो ये हमारा एक बाय का सिग्नल होता है। और अगर इसी के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये जो कैंडल्स है येलो कलर के होते हैं, जो कि हमें साइडवेज मार्केट दर्शाते हैं कि मार्केट अभी साइडवेज है, हमें यहाँ पे कोई डिसीजन या फिर कोई एंट्री नहीं लेना चाहिए। ओके, तो इस इंडिकेटर में बस यही है, 2 चीज़ें ये हो गई, और जो तीसरी चीज़ है रेड कैंडल। जब भी रेड कैंडल बनता है तो आपको क्या करना होता है, सेल के लिए जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं पीछे चलता हूँ और एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से इसमें सेल सिग्नल आया है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही कैंडल ने नीचे यहाँ पे ओपनिंग दी है, 9:15 की कैंडल है, तो ये मार्केट जो है उसी के ही दिशा में मार्केट घूम रही है। ओके, और एक बार ऊपर जाने की भी कोशिश किया था मार्केट ने, लेकिन अगेन फिर से मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रेंड बढ़िया से दिखाता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई जो हम बोलते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला जो ये इंडिकेटर है। तो आप लोग इसको यूज करें, और बाकी जो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली हुई है मैं आपको वो भी चीज़ें बता देता हूँ। तो जब हम इसके यहाँ पे सोर्स कोड का ऑप्शन होता है, जब ये सोर्स कोड पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो सोर्स कोड है वो ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे जो मैंने नाम है यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो ये जो नाम है कुछ भी यहाँ पे आप लोग इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम या फिर किसी भी का भी नाम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें यूज की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए EMA लो और EMA हाई, तो हमें 2 चीज़ पता चल गया कि EMA लो एंड हाई को जो यूज किया हुआ है इसमें। और अगर हम EMA की बात करें तो कौन सा EMA जो है इसमें यूज में लिया गया है, वो जो EMA है आपको मैं बता देता हूँ, वो 50 का EMA इसमें यूज में लिया गया है। ठीक है, तो 50 का जो EMA है वही इसमें यूज में लिया गया है, और 50 के EMA पे ही ये काम अभी कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 50 पे है, सेटिंग पे जाके देख लेते हैं यहाँ पे कि सेटिंग पे क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। ओके, बाकी जो इंडिकेटर्स है आपके सामने हैं, इंडिकेटर आपके सामने है, थोड़ा सा नेट का कनेक्शन यहाँ पे स्लो है तो इसीलिए ये सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ओके, आप देखिए यहाँ पे आ गया है हमारे पास फिर से। तो इनपुट्स में जो है हमने EMA 50 लिया हुआ है। ठीक है, अगर हम शो ट्रेंड इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए हमारे पास जो ये इंडिकेटर है ट्रेंड इंडिकेटर, एक नीचे से ये हमें ट्रेंड भी बता रहा है। तो इससे और भी ये क्लियर हो गया है कि जो वॉल्यूम है, जो सेलिंग साइड और ये बाइंग साइड का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा और क्लियर हो गया। जैसे यहाँ से
जो है मार्केट में बाइंग आ गई, तो ये पूरा ग्रीन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवन टाइप का ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड आपको बता रहा है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, ओके। तो देखिए इंडिकेटर जो कलरफुल इंडिकेटर के चक्कर में ना पड़े आप, थोड़ा सा उसमें प्राइस एक्शन को भी अगर मिला देंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा और फिर ट्रेडिंग भी और सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सीखने वाली चीज़ें हैं, तो आपको खुद से लाइव में बैठ के देखना पड़ेगा, बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है। मैंने तो बस ये स्क्रिप्ट दिया है आपको कि आप जो है इसको लाइक परचेज ना करें और ये फ्री में यूज कर पाएँ, और बाकी इससे भी लॉस होता है लोगों को। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी अगर कोई भी इंडिकेटर हम परचेज करते हैं तो कोई स्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इंडिकेटर का मतलब सिंपल क्या होता है, इंडिकेट करना, ये आपको एक इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन देने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहा है, वो जो आपको सेल या फिर बाई का सिग्नल दे रहा है वो सही ही होगा, ठीक है। अगर सेल आ गया तो हम अगर सेल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब इंडिकेटर हमें सेल देता है उस टाइम पे अगर हम सेल करते हैं तो अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। अब वो क्यों जाती है, उसमें क्या लॉजिक है, तो इसमें मार्केट में प्राइस एक्शन की बहुत सारी चीज़ें जो है वो काम करती हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज उसका बेसिक पे होगा ही, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो स्क्रिप्ट है मेरी वेबसाइट पे मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और आपकी अगर कुछ भी क्वेरी होगी या फिर कुछ भी रहेगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके टेलीग्राम पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और लाइव में हम लोग वहाँ पे बातें करते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ पे बाई करना चाहिए, अभी क्या मार्केट में हो सकता है, मार्केट में क्या क्या लेवल्स अभी आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सिंपली आप हमें ज्वाइन करके वहाँ पर बातें कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी अगर कॉन्टेंट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा।